साथियों, परीक्षा परिणाम टेब में आपके विद्यालय के 10वीं और 12वीं में पढ़ाने वाले अध्यापकों का परीक्षा परिणाम आपको शाला दर्पण पर ऑनलाइन करना अनिवार्य है और साथ में आपके विद्यालय का परिणाम भी आपको ऑनलाइन करना अनिवार्य है। तो इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताऊंगा कि कैसे आपको जो आपके विद्यालय का परिणाम शाला दर्पण पर ऑनलाइन करना है, कैसे उसको लॉक करना है, कैसे अपने अध्यापकों का परिणाम आपको ऑनलाइन करना है और उन्हें लॉक करना है। संपूर्ण प्रक्रिया आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर मुझे मोटिवेट अवश्य कीजिएगा। और हाँ साथियों, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। दर्पण पर उपलब्ध रिजल्ट टेप की पूर्ति करने हेतु आपको सबसे पहले आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। अब इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ आ जाएगा। यहाँ आपको एक टेब मिलेगी परिणाम नेम से, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, अन्य ऑप्शन आपके सामने यहाँ खुलकर आएंगे। तो अब आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा स्टाफ रिजल्ट का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ दो ऑप्शन आएंगे। पहला आएगा स्कूल परिणाम का, दूसरा आएगा अध्यापक परिणाम का। तो सातों दोनों मॉड्यूल पर आपको मैं कार्य करके इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अध्यापक का परिणाम आपको कैसे ऑनलाइन करना है वो जानकारी, उसके बाद आपको स्कूल का परिणाम कैसे करना है वो जानकारी भी बताऊंगा। तो आपको जो अध्यापक परिणाम का जो ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। तो साथियों, जो आपको यहाँ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उनको अवश्य पढ़ना है और उनको ध्यान में रखकर ही सारी जो टेप की पूर्ति आप करेंगे या इन निर्देशों को ध्यान में रखकर ही आपको करना है। तो पहला निर्देश आपको बताया गया है यहाँ पर कि एक कक्षा में एक विषय में आंशिक रूप से एक से अधिक विषय अध्यापकों ने अध्यापन करवाया हो तो परीक्षा परिणाम सभी विषय अध्यापकों का निर्धारित किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एक कक्षा में एक विषय को मान लो कि दो अध्यापकों ने पढ़ाया है, पूरे सत्र पर्यंत पढ़ाया है, तो परीक्षा परिणाम दोनों का निर्धारित किया जाएगा। यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाता है। उसके बाद एक ही कक्षा में एक विषय को अलग अलग समय अवधि में एक से अधिक अध्यापकों ने पढ़ाया है तो अधिकतम समय अवधि अध्यापन कराने वाले अध्यापक का परिणाम निर्धारित होगा। अब इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि यदि एक कक्षा में दो अध्यापकों ने पढ़ाया है परंतु जिसकी समय अवधि ज्यादा होगी उसका परिणाम आपको यहाँ फीड करना है। ये दूसरा निर्देश आपको यहाँ दिया जा रहा है। उसके बाद तीसरा निर्देश जो आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा परिणाम में केवल मुख्य परिणाम को ही शामिल करें, पूरक परीक्षा का परिणाम शामिल नहीं होगा। या आपके विद्यालय में विद्यार्थियों के पूरक आई है तो वो मुख्य परिणाम में उनको आपको शामिल नहीं करना है। ये आपको यहाँ निर्देश दिए जा रहे हैं। और हाँ साथियों, आपको ध्यान रखना है कि यह जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, यह वीडियो आपकी हेल्प के लिए है। यदि इस वीडियो में और विभागीय आदेश में विरोधाभास आता है तो आप प्राथमिकता विभागीय आदेश को ही दीजिएगा। मेरा जो उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, वो आपके लिए इस कार्य को आसान करना है, ना कि विभाग के आदेश का उल्लंघन करना। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको जो आगे यहाँ रेड कलर में और नोट दिए गए हैं उसमें बताया गया है, अध्यापक परिणाम सत्र 2022-23 जिन विद्यालयों में सत्र 2022-23 में कक्षा 10वीं और 12वीं में नामांकन शून्य है उनको परिणाम नहीं बनना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके विद्यालय में 10वीं और 12वीं का नामांकन शून्य है तो आपको ये परिणाम नहीं बनना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ये तिथि आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखनी है, दिनांक 1/7/22 से 28/2/23 के मध्य कार्यरत कार्यवस्थार्थ अध्यापन कराने वाले समस्त विषय अध्यापकों की प्रविष्टि करें। तो आपको तिथि क्या है, 1 जुलाई 2022 से 28 फरवरी 2023 के मध्य जो भी आपके विद्यालय में कार्यरत अध्यापक रहे हैं, कार्यवस्थार्थ रहे हैं, उन सभी अध्यापकों का, विषय अध्यापकों का आपको यहाँ परिणाम प्रविष्ट करना है। और बाकी निर्देश ऊपर मैंने आपको बता दिए, इन निर्देश ऊपर वाले निर्देशों को भी ध्यान में रखना है परीक्षा परिणाम भरते समय। तीसरा जो बिंदु आपको यहाँ क्लियर कर रहा है, संबंधित संस्था प्रधान विषय अध्यापकों की प्रविष्टि कर लाभ करना सुनिश्चित करें, अनलाभ का प्रावधान सीबीओ लॉगिन पर उपलब्ध होगा। तो संस्था प्रधान को यह भी ध्यान रखना है कि यदि उन्होंने परीक्षा परिणाम भर लिया है तो उसे लॉक करना भी सुनिश्चित करना है। और जो यदि आपके कोई त्रुटि रह गई है परीक्षा परिणाम में गलत भर गया है तो आप सीबीओ लॉगिन से उन्हें अनलॉक भी करवा सकते हैं, ये जानकारी आपको यहाँ दी जा रही है। हालांकि साथियों, अगर ये वीडियो आप पूरे अच्छे से देखेंगे, बिना स्किप किए पूरा देखेंगे, तो आपके त्रुटि रहने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। अब जब आप ये सारे
आपने निर्देश पढ़ लिए हैं, आत्मसात कर लिए, तो उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक हियर फॉर एंट्री का, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आएगी। साथियों, मैंने ऑलरेडी अपनी जो कक्षा दसवीं का परिणाम है उसे यहाँ फिल कर दिया है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है, परंतु यदि आपने नहीं किया होगा तो आपको यहाँ खाली लाइन जैसी ये मुझे नीचे दिखाई दे रही है ऐसी लाइन आपको दिखाई देगी, तो आपको अब यहाँ पर टाइप ऑफ टीचर सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए यहाँ तीन ऑप्शन मिलेंगे, कार्यरत है, कार्यमुक्त है, शिक्षण व्यवस्थार्थ है। आपके यहाँ जो भी उपयुक्त ऑप्शन हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और वापस आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ जो है टीचर का नेम सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जिस भी टीचर का आप रिजल्ट यहाँ ऑनलाइन करना चाहते हैं उनका नेम आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहां बताया जा रहा है कि सेलेक्ट क्लास, आपको क्लास सेलेक्ट ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करने के लिए कही जा रही है, तो आप यहां क्लिक कीजिएगा। जिस भी कक्षा का परिणाम आप दर्ज करना चाहते हैं वो क्लास आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जितने भी सेक्शन आपके विद्यालय में चलते होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, तो आप यहां से उचित सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहां से सब्जेक्ट ऊपर दिखाया जा रहा है कि आपको यहां सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए यहां सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, तो आप यहां से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और वापस इस तरह से आपके सामने खुलकर आ जाएगी। उसके बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है वो देनी है टोटल अपीयर स्टूडेंट, परीक्षा में आपके कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दे देनी है। उसके बाद जो रिजल्ट आया है, परीक्षा परिणाम आया है, उसमें फर्स्ट डिवीजन कितने विद्यार्थियों ने हासिल किया है वो संख्या आप यहाँ दर्ज करेंगे। सेकंड डिवीजन आपके विद्यालय में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं इस सब्जेक्ट में वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ दर्ज कर देंगे। और थर्ड डिवीजन आपके विद्यालय में कितने विद्यार्थी यहाँ पास हुए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ दर्ज कर देंगे। ये सूचना है जैसे ही आप यहाँ एंटर करेंगे उसके बाद आपको यहाँ ऑटोमेटिकली जो टोटल पास स्टूडेंट की संख्या दिखाई देगी कि आपका टोटल स्टूडेंट कितने थे। मान लो कि यहाँ दिखाई दे रहे हैं मुझे कि यहाँ 35 मेरे स्टूडेंट थे, इसमें से एक फेल हो चुका है और 34 स्टूडेंट आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। यदि आपके यहाँ कोई स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है तो ये दोनों संख्याएं आपको सेम दिखाई देगी, आपको इस बात का ध्यान रख लेना है। उसके बाद आपके यहाँ जो परसेंटेज जो है स्कूल की, आपके जो पास परसेंटेज मेन एग्जाम में है वो ऑटोमेटिकली यहाँ शाला दर्पण कैलकुलेट कर देगी। उसके बाद आपको यहाँ आगे आना है जहां पर कार्मिक की वर्तमान स्थिति आपको ऑटोमेटिकली यहाँ दिखाई देगी। आपको यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं करना है ना आप यहाँ चेंजेस कर पाएंगे। अब आपको यहाँ देखना है कार्मिक का विद्यालय में ठहराव अवधि, कब से कार्मिक ये विषय अध्यापन करवा रहा है, विद्यालय में आकर कब से अध्यापन करवा रहा है, वो तिथि आपको यहाँ चुननी है। तो जैसे कि मेरे जो ये साथी अध्यापक हैं 1 जुलाई 2022 से अध्यापन करा रहे हैं, तो मैं यहाँ सबसे पहले मैंने क्लिक कर लिया, उसके बाद 22 सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद जुलाई ऑलरेडी यहाँ आ रहा है, तो 1 जुलाई 2022 मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। ऐसे आपके जो कार्मिक है जो भी समय अवधि उनके लिए रहे वो समय अवधि आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। निर्देश आपको ध्यान रखने ऊपर वाले, अभी जो निर्देश मैंने बताए थे ये तिथियां वहीं से आएगी, आपको समय अवधि कैसे चयन करना है ऊपर स्पष्ट निर्देशों में बताई गई है। उसके बाद यहाँ जो आपको चयन करना है कार्मिक का विद्यालय में ठहराव अवधि, तो ये तिथि भी आपको वहां बताई गई है ऊपर कि कब तक आपको लेनी है, तो उसके लिए यहाँ क्लिक कर लेना है। 2023 आपको यहाँ पहले ही मिल रहा है, अब आपको यहाँ देख लेना है जुलाई की जगह आपको यहाँ फरवरी करना है और 28 फरवरी पर यहाँ क्लिक कर लेना। इस तरह इंफॉर्मेशन आप यहाँ फीड कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा ऐड का, तो आप ऐड पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी, डेटा सेव और अपडेट सक्सेसफुली, तो ये क्लोज का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आप यहां देख पा रहे होंगे कि दसवीं का रिजल्ट तो मैंने पहले ही यहां एंटर कर रखा था, उसके अलावा मैंने अभी बारहवीं का रिजल्ट एंटर किया है, जो सब्जेक्ट मैंने एंटर किया था वो सब्जेक्ट यहां दिखाई दे रहा है, संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको यहां दिखाई देने लगी है। इस तरह आपका जो विद्यालय का परिणाम एंटर करेंगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन यहाँ शो होने लगेगी। अब आपको यहाँ दो बटन अवेलेबल करवाए गए, इन दोनों बटन से भी आपको परिचित हो लेना है। यहाँ एक तो बटन मिलेगा आपको एडिट का, कि यदि इसमें किसी प्रकार की गलती है तो आप यहाँ क्लिक करके इसे एडिट कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि संपूर्ण इन्फॉर्मेशन एक साथ डिलीट हो जाए और आप दोबारा इसे
फुलफिल करें तो आपको यहाँ ऑप्शन यहाँ डिलीट का मिलेगा, तो आप इसे डिलीट करके दोबारा भी भर सकते हैं। साथियों इस तरह से आपको आपके विद्यालय में दसवीं और बारहवीं का जो परीक्षा परिणाम है विषय अध्यापकों का वो दर्ज करना है। उक्त कार्य करने के उपरांत तो जब आप आपके सभी कक्षाओं के रिजल्ट पूर्ण कर देंगे यहाँ पे फिल कर देंगे तो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन चेक यहाँ दिखाई देगी। आपको देख लेना है कि आपकी जो सारी कक्षाओं का रिजल्ट यहाँ भरा जा चुका है, जो जो अध्यापक थे उनका सारी डिटेल आपने यहाँ फुलफिल कर दी है। तो उसके बाद अगला जो ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देगा क्लिक हियर टू यू लॉग स्टेटस का, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ शो का ऑप्शन मिलेगा, तो इस शो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप शो पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने यहाँ डिस्प्ले होगी। अब आपको यहाँ ध्यान पूर्वक समझना है, यहाँ आपको आपके विद्यालय में जो जिस क्लास की आपने एंट्री की वो क्लास आपको यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी। सेक्शन की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होगी, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। उसके बाद इस चीज को आपको यहाँ आवश्यक रूप से चेक करना है, यहाँ टीचर्स मैप्ड स्टेटस यहाँ आपको मैप्ड मिलना चाहिए, जैसा कि मुझे मिल रहा है सब जगह मैप्ड। यदि आपको नोट मैप्ड यहाँ दिखाई देता है तो संबंधित विषय का जिस सब्जेक्ट के सामने नोट, मान लो कि यहाँ मैथमेटिक्स के सामने मुझे नोट मैप्ड का दिखाई दे रहा है, तो उस सब्जेक्ट के आपने विषय अध्यापक द्वारा परिणाम ऑनलाइन नहीं किया है, ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। मतलब सीधा सा है कि आपको यहाँ सभी विषय का परिणाम भरने के बाद ही ये मैप्ड दिखाई देगा। अगर मैप्ड दिखाई नहीं देता है तो आप बैक जाइए और जो प्रोसेस मैंने आपको बताई उस प्रक्रिया से आप अध्यापकों का परिणाम वहाँ ऑनलाइन कीजिए, उसके बाद आप यहाँ आइएगा और फिर ये प्रक्रिया अपनाइएगा। तो अब यहाँ आ चुका है सब दूर मैप्ड, मैं श्योर हूँ कि जो मैंने परिणाम दर्ज किया है वो सही दर्ज किया है। तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा लॉक का, तो इस लॉक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉक पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ शो हो जाएगी, योर डेटा इज लॉक्ड सक्सेसफुली क्लोज। तो यहाँ आपको यहाँ क्लोज का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप यहाँ क्लोज कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ लॉक्ड डेट भी दिखाई देगी, लॉक टाइम भी दिखाई देगा। यदि अब आपके किसी प्रकार की गलती रह गई है इसमें तो आपको साथियों ध्यान रखना है, ऊपर बताया गया है यहाँ आपको रेड कलर में स्पष्ट नोट दिया हुआ है, संबंधित संस्था प्रधान विषय अध्यापकों की प्रविष्टि लॉक करना सुनिश्चित करें। और यदि आप अनलॉक का प्रावधान आपको यहाँ सीबीओ लॉगिन पर उपलब्ध करवा दिया, यदि आपके द्वारा कोई गलती है तो आप सीबीओ लॉगिन से इसे अनलॉक करवा सकते हैं। इसी तरह आप बारहवीं का भी परिणाम यहाँ से लॉक करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ दसवीं का लॉक किया था वैसे अब बारहवीं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको यहाँ शो का ऑप्शन मिलेगा, तो आप शो पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप शो पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ शो हो जाएगी, आपके यहाँ सामने यहाँ क्लास दिखाई देगी, सेक्शन आपको यहाँ दिखाई देगा और आपके यहाँ आपके विद्यालय में कौन कौन से सब्जेक्ट चलते हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देगी। तो यहाँ जैसा कि मेरे विद्यालय में ये जो सब्जेक्ट है मेन तीन सब्जेक्ट है बारी में वो चलते हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाई दे रही है, उसी तरह आपको भी दिखाई देगी। और मैं आपको फिर याद दिला दूं कि आपको यहाँ मैप्ड दिखाई देना चाहिए, यहाँ आपको मैप्ड दिखाई देगा तभी आपके रिजल्ट की प्रविष्टि मानी जाएगी। तो मुझे यहाँ तीनों जगह मैप्ड मिल रहा है, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है अब लॉक का, तो आपको भी ऐसे ही ऑप्शन मिलेगा लॉक का, तो इस लॉक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉक पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी, योर डेटा इज लॉक्ड सक्सेसफुली क्लोज, तो यहाँ क्लोज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आप क्लोज कर लीजिएगा। अब आते हैं साथ हम दूसरे बिंदु की ओर, कि आपको दूसरे बिंदु पर कैसे कार्य करना है। तो उसके लिए आपको आ जाना है वापस ऊपर की ओर, यहाँ आपको फिर से वही परिणाम का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ स्टाफ रिजल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। अब आपको आपके स्कूल का परिणाम दर्ज करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आएगी। तो यहाँ भी साथियों आपको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, इन्हें आपको आवश्यक रूप से पढ़ना है। संस्था प्रधान परिणाम सत्र 2022-23, पहला जो निर्देश यहाँ दिया जा रहा है, जिन विद्यालयों में सत्र 2022-23 में कक्षा दसवीं व बारहवीं में नामांकन शून्य उनको परिणाम नहीं बढ़ना है, ये निर्देश आपको वहां भी दिया गया था जहाँ पहले मैंने बताया था। दूसरा निर्देश आपको यहाँ दिया जा रहा है, दिनांक 1/7/22 से 28/2/23 के मध्य कार्यरत कार्यवाहक संस्था प्रधान की प्रविष्टि करें। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि संस्था प्रधान 1 जुलाई 2022 से 28/2/23 के मध्य जो भी आपके कार्यरत या कार्यवाहक संस्था प्रधान रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है, उनके रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन आपको बढ़नी है। यहाँ पर जिस संस्था प्रधान का विद्यालय में
कार्यकाल सर्वाधिक रहा हो है उनकी प्रविष्टि पहले करे तत्पश्चात अन्य की करे। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जिस जो भी संस्था प्रधान विद्यालय में रहा है जिनका कार्यकाल ज्यादा रहा है उनकी प्रविष्टि आपको पहले करनी है तत्पश्चात दूसरे संस्था प्रधान की आपको यहाँ प्रविष्टि करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चौथा जो बिंदु यहाँ क्लियर करता है संबंधित संस्था प्रधान प्रविष्टि कर लाभ करना सुनिश्चित करे। कक्षा दसवीं बारहवीं की प्रविष्टि करने पर ही लोग बटन प्रदर्शित होगा। आपको ध्यान रखना है कि मैंने जो आपको पहले बता दिया है कि आपको दसवीं और बारहवीं का रिजल्ट या परिणाम पहले वहाँ इंदराज कर देना है और उसे लॉक कर देना, उसी के बाद आपको यहाँ लॉक का बटन मिलेगा। अन्यथा आप इस स्टेप पर पहले कार्य करना चाहेंगे तो आप यहाँ लॉक का ऑप्शन आपको यहाँ अवेलेबल नहीं रहेगा। अनलॉक का प्रावधान सीपीओ लॉगिन पर उपलब्ध है। तो यदि आपके द्वारा यहाँ कोई गलती रह जाती है तो आपको देख लेना है कि यदि कोई गलती है तो आप सीपीओ महोदय से निवेदन करके वापस अनलॉक भी इसे करवा सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो देनी है जैसे मैंने एक इन्फॉर्मेशन दसवीं की तो यहाँ दर्ज कर रखी है, आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। उसी तरह अब मान लो मुझे बारहवीं की देनी है तो यहाँ टीचर्स टाइप या इंचार्ज टाइप सेलेक्ट करने के लिए आपको कहा जा रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। और उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है नेम ऑफ प्रिंसिपल ऑब्लिक इंचार्ज, कौन प्रिंसिपल है या कौन इंचार्ज है, तो उनका नेम आपको सेलेक्ट यहाँ से करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ से नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सेलेक्ट क्लास, आपको क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद टोटल स्टूडेंट अपीयर्ड, कितने स्टूडेंट परीक्षा में भाग लिया था बारहवीं में, जैसे मैंने बारहवीं कक्षा सेलेक्ट किया तो बारहवीं में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया था, वो संख्या आपको यहाँ दर्ज करनी है। अब आपको यहाँ संख्या दर्ज करने के बाद इनमें से फर्स्ट डिवीजन विद्यार्थी आपके विद्यालय में कितने पास हुए उनकी संख्या यहाँ दर्ज करनी है। उसके बाद सेकंड डिवीजन कितने पास हुए वो संख्या आपको यहाँ दर्ज कर लेनी है। थर्ड डिवीजन कितने पास हुए वो संख्या आपको यहाँ दर्ज कर लेनी है। उसके बाद टोटल पास स्टूडेंट की संख्या आपको ऑटोमेटिकली यहाँ दिखाई देगी। जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ दर्ज करेंगे उसके आधार पर ये ऑटोमेटिकली रहेगी, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आगे जो आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी पास परसेंट मेन एग्जाम में जो आपके विद्यालय की पास परसेंट है वो आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी। अब कार्मिक की वर्तमान स्थिति आपको यहाँ दिखाई देगी, तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स मिलेगा, तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स में से सेलेक्ट कर लेना है जो भी उचित ऑप्शन आपके लिए रहे। यहाँ सेलेक्ट बॉक्स में आपको मिल रहा है सेवारत, सेवानिवृत्त, सेवा समाप्त, अन्य विभाग में, तो आपके लिए जो भी ऑप्शन उचित रहे वो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है कार्मिक का विद्यालय में ठहराव अवधि कब से कार्मिक यहाँ है, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। तो आपको समय अवधि कैसे चुननी है वो मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, जो निर्देश में दिया गया था उन निर्देशों को आपको पालन करना है और उन्हीं का उसी के अनुसार यहाँ समय अवधि आपका आपको चयन कर लेनी है। उसके बाद कार्मिक का विद्यालय में ठहराव अवधि कब तक रहा है, तो वो तिथि के लिए भी आपको निर्देश दिए गए हैं, आप उन्हीं निर्देशों को फॉलो कीजिएगा और उन निर्देशों के अनुसार यहाँ से तिथि का चयन कीजिएगा। तो इस तरह आप यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन दर्ज कर देंगे, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड बटन का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, डेटा सेव्ड और अपडेट सक्सेसफुली का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा, तो आपको इस पर आपका डेटा जो है वो सेव हो चुका है। आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको आपके अध्यापकों का परिणाम भी आपने वहाँ दर्ज कर लिया, जो प्रक्रिया मैंने बताई उसे आपको फॉलो करते हुए अध्यापकों का परिणाम भी आपने दर्ज कर लिया है और अपने विद्यालय का परिणाम दसवीं और बारहवीं का परिणाम भी आपने दर्ज कर लिया है। तो अब आपको आपके सिस्टम की स्क्रीन को स्क्रॉल अप करना है। जैसे आप स्क्रॉल अप करेंगे आपको यहाँ लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा, और साथ ही यदि आपको यहाँ लॉक का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको यहाँ स्पष्ट कहा गया है निर्देशों में कि पहले आप अध्यापकों का जो परिणाम है वो प्रविष्ट कीजिए, उसके बाद ही आपको यहाँ लॉक का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको जो ये लॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यदि आपका सब कुछ सत्य है तो आपको इस लॉक वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेना है। जैसे आप लॉक पर क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू लॉक दिस रिपोर्ट, तो आपको जो ओके का ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी और आपको यहाँ दिखाई देगा लॉग्ड ऑन डेट, आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई दे जाएगी। तो इस तरह साथियों आप जो आपका रिजल्ट या परीक्षा परिणाम टैब में जो रिजल्ट टैब है उसकी पूर्ति करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों इस वीडियो के माध्यम से आप आपके जो स्टाफ का दसवीं और बारहवीं का परीक्षा परिणाम और आपके विद्यालय का
परीक्षा परिणाम शाला दर्पण पर ऑनलाइन कर पाएंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और साथियों, यदि आपका कोई कमेंट है, आप मुझसे कोई और सवाल पूछना चाहते हैं परिणाम ऑनलाइन करने से संबंधित या शाला दर्पण से संबंधित कोई और इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहते हैं, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ट्विटर हैंडल का लिंक उपलब्ध करवाया हुआ है। आप मेरे ट्विटर हैंडल पर जाइए, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए और डायरेक्ट DM कीजिए। निश्चित है कि मैं आपके जो मैसेज है उनका रिप्लाई दूंगा, आपकी समस्याओं का समाधान मैं ट्विटर पर करूंगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के अहम अपडेट और इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।